जनकार्लो फुचीना इटली की गार्डा झील में जाना पहचाना चेहरा है। इटली की सबसे बड़ी झील पर वो 40 साल से सैलानियों को सैर करा रहे हैं, लेकिन झील का ऐसा हाल उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। जहां कभी पानी हुआ करता था, वहां अब लोग चल सकते हैं। पिछले साल झील पानी से लबालब थी, कमर तक पानी रहता था, लेकिन अब स्थिति बहुत गंभीर है। हम इंतजार और उम्मीद ही कर सकते हैं कि महीने भर बारिश होगी और पानी फिर से भर जाएगा। उनका वाटर टैक्सी कारोबार संकट में है। कम से कम 40% लोग पैदल पार करना पसंद करते हैं, फिर लौटते समय कुछ लोग थक जाते हैं और फिर मेरी नाव लेते हैं। सान बियाजियो द्वीप पर ये अकेली नाव है जिसे वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका दूसरा कटर पोर्ट पर फंसा हुआ है। वो ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं जानते जिसे साल के इस वक्त इतने कम पानी की याद हो। झील के दक्षिणी मुहाने पेशकारा डेलगाडा में इलारिया एरकोलानी हर सुबह जल स्तर को दर्ज करती हैं। पिछले साल की तुलना में पानी का स्तर औसत से 60 सेंटीमीटर कम है। वैसे इस दौरान पानी 1.20 मीटर के स्तर पर रहता था, इस साल ये सिर्फ 47 सेंटीमीटर है। इतने कम पानी की वजह से चंद किलोमीटर नीचे बना पावर प्लांट भी बंद हो चुका है। उसी के पास है सालियोन से डैम। इस जगह से इलारिया गार्डा झील में पानी के बहाव को कंट्रोल करती हैं। यहाँ से मैं गेट देख सकती हूँ और ये चेक करती हूँ कि बैरियर को कोई चीज ब्लॉक तो नहीं कर रही। यहाँ सब कुछ ठीक है। इलारिया गेट खोलती और बंद करती हैं। ये पानी यहाँ से गार्डा झील के दक्षिण में स्थित खेतों में बहाया जाता है, लेकिन अभी तो पानी इतना है ही नहीं। गर्मियों के मध्य से पहले आमतौर पर ये लेवल नहीं आता। मैं नामुमकिन को मुमकिन करने की कोशिश में हूँ। मुझे झील किनारे बसे लोगों और घाटी के किसानों की जरूरतों के बीच संतुलन बना कर रखना पड़ता है। ये आसान काम नहीं है और दांव पर बहुत कुछ लगा है। पिछली गर्मियों में किसानों को 6 अरब यूरो का नुकसान हुआ था। गार्डा झील के पूर्व में सोएव के पास किसान मोरेनो क्वात्सा अगले सूखे को लेकर बहुत चिंतित हैं। खेत तो पहले ही करीब करीब सूख चुके हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी को जोतने पर धूल उड़ने लगती है। हालात ने किसानों को कड़े फैसले लेने पर मजबूर कर दिया है। ये समय असल में बुआई का है, लेकिन मुझे पता ही नहीं कि क्या बोऊं। जैसे कि मक्का के लिए तो बहुत सारा पानी चाहिए, लेकिन मैं नहीं जानता कि फसल होने तक हमारे पास पर्याप्त पानी बचेगा या नहीं। हमें ग्लोबल वार्मिंग का असर साफ दिख रहा है। किसानों और क्षेत्रीय प्रशासन ने पहला कदम उठाया है। उन्होंने नहर के पहले खंड को रेनोवेट और सील करने के लिए यूरोपीय संघ का फंड इस्तेमाल किया। 48 किलोमीटर लंबी ये नहर पूरे इलाके में खेतों और घास के मैदानों की सिंचाई के काम आती है। 2 साल में काम पूरा हो जाने के बाद हम लोग हर साल 15 करोड़ घन मीटर पानी बचा लेंगे। उसका मतलब होगा खेतों को ज्यादा पानी मिलेगा। इटली के एक शोध संस्थान के मुताबिक अगर लगातार 50 दिन तक बारिश हो तो हालात बदल सकते हैं, लेकिन गार्डा झील में बारिश नहीं हो रही। यहाँ धूप ही निकली हुई है और कड़ी गर्मी झेलने वालों में सिर्फ जानकार्लो और उनकी वाटर टैक्सी ही नहीं है,